कहाँ जा रहे हैं? ये एक सरप्राइज है कालिया, सिर्फ भीम को ही पता है। वो आ गया भीम। तो चले दोस्तों। लेकिन कहाँ? एक यादगार सफर पर, जिसमें हम सबको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, हम जा रहे हैं सिंगापुर। सिंगापुर, क्या बात है! लेकिन सिंगापुर ही क्यों? उसके बहुत सारे कारण हैं। वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें अपने आप एहसास हो जाएगा कालिया। सिंगापुर में स्वागत है दोस्तों। हमारी मस्ती शुरू होती है दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट्स में से एक में, और मैं आप सबको ले चलता हूँ इस एयरपोर्ट ग्राउंड के एक अद्भुत रिटेल कॉम्प्लेक्स में, जहाँ प्रकृति और मनोरंजन एक होते हैं। चूल चांगी एयरपोर्ट। क्या ये सच में सिर्फ एक एयरपोर्ट है? यहाँ और भी बहुत कुछ है कालिया। फिर तो बहुत मजा आएगा। क्या सरप्राइज दिया है! ये बहुत सुंदर है। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। चिंता मत करो चुटकी, हम कुछ दिन यहीं पर ही घूमने वाले हैं। हाँ जग्गू, दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल। वाह, अजूबा है ये जंगल, तो देखो मजा आ गया। भीम, भूख लग रही है, चलो कुछ खाते हैं। क्यों नहीं? पता है कालिया, यहाँ पर लगभग 280 दुकानें, रेस्टोरेंट्स और एक सुपरमार्केट भी है। वाह, तो फिर इंतजार किस बात का? चलो कुछ खा लेते हैं। उस्ताद कहीं पे भी हो, खाने के बारे में थोड़ी देर भी सोचना बंद नहीं करते। ये जगह तो कमाल की है। भीम, यहाँ कुछ मैजिक भी देखने को मिलेगा क्या? मैं तुम्हें कुछ मैजिकल जरूर दिखा सकता हूँ कालिया। शाम होने को है, चलो एयरपोर्ट से निकलने से पहले एक बार रेन वोर्टेक्स वापस चलते हैं। बहुत प्यारा है सिंगापुर। और अभी तक हम एयरपोर्ट पर ही हैं। मिलकर खेलते हैं। हम सबके लिए कोई गेम है क्या? वो जरूर रनवे होगा, है ना? लगता है हमने यहाँ सब कुछ देख लिया। गलत, और भी है। चलो मिरर मेज देखने चलते हैं। मिरर मेज? बहुत सारे मिरर्स, मतलब ढेर सारा फन। जल्दी चलो। हाँ,
मेरे ख्याल से हमने पूरा एयरपोर्ट घूम लिया है दोस्तों, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। तो अब क्या? और भी फन। बिल्कुल, चलो दोस्तों अब हम इस खूबसूरत शहर की सैर करेंगे। देखो दोस्तों, मरीना बे सैंड्स एंड गार्डन्स बाय द बे। ये कितना सुंदर है, काश मैं इसे और नजदीक से देख पाती। जरूर देखोगी चुटकी, जब हम मरीना बे एरिया में रिवर क्रूज पर जाएंगे, वहाँ पर मैं तुम्हें कुछ मजेदार और हैरान करने वाली बात बताऊँगा। और ये स्काईलाइन भी कितना सुंदर दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये पूरा शहर एक ही गार्डन के अंदर है। जैसा मैंने कहा था, जूल चांगी एयरपोर्ट तो सिर्फ शुरुआत थी जग्गू। कोई सिंगापुर आए और इम्प्रेस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या हुआ दोस्तों, अब वहीं रहोगे क्या? वाह, मेरा मतलब बढ़िया। वाह, मेरा मतलब क्या होटल है? सिंगापुर में तरह तरह के होटल अकोमोडेशंस हैं जग्गू, और उनकी हॉस्पिटैलिटी भी कमाल की है। मुझे ऐसा लगता है कि सालों पहले शायद ये इमारत एक पोस्ट ऑफिस हुआ करती थी। हाँ, दिखने में तो ये इमारत किसी पुरानी सरकारी बिल्डिंग जैसी ही लगती है। पहले चेक इन कर लेते हैं। सिर्फ एक? हमें सिर्फ चार ही मिले कालिया। ये मिठाइयाँ यहाँ इतनी फेमस है कि पलक झपकते ही बिक जाती है। बहुत स्वादिष्ट, क्या है ये? ऐसा लगा जैसे मुंह के अंदर मिठाई की बौछार हो गई हो। ये है ओंदे ओंदे। ये मिठाई सिंगापुर की स्वादिष्ट मिठाइयों में से एक है। अब मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। ठीक है कालिया, तैयार हो जाओ, फिर हम सिंगापुर के बेस्ट खानों का मजा लेने चलेंगे। फिर इंतजार किस बात का? ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये सीधा उस्ताद के पेट से आ रही है भोलू। इंतजार खत्म हुआ कालिया, चलो दोस्तों। हाँ? इतने सारे हॉकर सेंटर स्टॉल्स। हाँ ढोलू, ये सिंगापुर की एक खासियत है, क्योंकि यहाँ का हॉकर कल्चर यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में है। Thank you.
से जाने के बाद मैं इनको बहुत मिस करूंगा। इतना स्वादिष्ट खाना और कहाँ मिलेगा भीम? मेरे पास एक प्लान है कालिया, चलो हम इनमें से कुछ डिशेस बनाने का तरीका सीख लेते हैं। वाह क्या आइडिया है भीम, चलो चलो। कब से इंतजार कर रहा था। यम यम। तो कोई फैसला लिया क्या? एक आइलैंड की सैर कैसी रहेगी? हाँ, और ऐसा वैसा आइलैंड नहीं, एक मौज मस्ती भरा आइलैंड। चलो चलते हैं सेंटोसा। जोश दिख रहा है दोस्तों, सेंटोसा घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। केबल कार की सवारी, लूज राइड के मजे, रोमांचक मेगा जिप और हाँ सी एक्वेरियम भी। हाँ, चलो, क्या राइड थी, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। शुरुआत में तो ऐसा नहीं लगा कि तुम एंजॉय कर रहे थे। मुझे तो कालिया के चीखने पर भी मजा आया। ये राजू कहाँ गया? लगता है खो गया। शायद अकेले अकेले एंजॉय कर रहा होगा। चलो उसे ढूंढते हैं। राजू राजू राजू। ये सब कितना सुंदर है भीम। मुझे एक्वेरियम इतना पसंद आया कि मैं फिर आना चाहूंगा। दोस्तों क्या तुम्हें पता है सिंगापुर का बोटैनिक गार्डन एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बस इतना पता है कि ये बहुत सुंदर है, बिल्कुल एक गार्डन सिटी जैसा।
यहाँ चारों तरफ कुदरती नजारे हैं। दोस्तों अब मेरे साथ चलो, हम जाएंगे सिंगापुर जू और वाइल्ड लाइफ का मजा लेंगे। जानवरों को खाना खिलाया जाए। वाह, मजा आएगा। चलो अब हम जाएंगे गार्डन्स बाय द बे। ये लाइट शो तो बहुत ही बढ़िया था। अब चलते हैं नाइट सफारी। जल्दी चलो ट्राम राइड में चलते हैं। क्या कहा था मैंने? ये तो सच में अनोखा था, लेकिन इसके साथ एक अनोखी दावत भी हो जाए तो मजा ही आ जाए। सही कहा तुमने। चलो चलते हैं। मुझे भी बहुत भूख लगी है। यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट्स और फूड जॉइंट्स भी हैं। क्या शानदार जगह है ये। जानवरों को देख के मजा ही आ गया। बर्थडे के लिए शॉपिंग खत्म करके हमें पार्टी के लिए भी जल्दी वापस आना है। बिल्कुल चुटकी, अब भीम आ रहा है, कोई उसे कुछ मत बोलना, ये उसके लिए एक सरप्राइज होगा। चलो चलें दोस्तों। तो कपड़े गिफ्ट करेंगे? वैसे जब यहाँ आ ही गए हैं तो फिर कुछ सुंदर सुंदर एथनिक कपड़े हम सबके लिए भी ले लेते हैं। देखो कितने रंग बिरंगे और दिलचस्प है ये कपड़े। बहुत बढ़िया भीम। पता है दोस्तों, ऑर्चर्ड रोड सिंगापुर का सबसे फेमस शॉपिंग बेल्ट है। यहाँ पर तो सब कुछ है, डिपार्टमेंट स्टोर्स, स्ट्रीट फैशन, रेस्टोरेंट्स और एक आर्ट गैलरी भी। हाँ,
क्या शोल्डर बैग है चुटकी, लड्डू रखने के लिए। सुनो दोस्तों, होटल लौटने से पहले बस एक आखिरी जगह घूमना बाकी रह गया है। चलो चलते हैं लिटिल इंडिया। इसका नाम है डांसिंग इन यूनिसन। भारतीय कलाकार भज्जू श्याम और सिंगापुरियन कलाकार सैम लो का बनाया हुआ एक खूबसूरत म्यूरल। दोस्तों एक ग्रुप पिक्चर हो जाए। दोस्तों हमें जल्दी वापस भी जाना है। हाँ हाँ, केक भी पहुँच गया होगा। केक? कैसा केक? तुमने सरप्राइज भी चौपट कर दिया। हाँ भीम, आज तुम्हारा बर्थडे है और हम सब इसे तुम्हारे लिए स्पेशल बनाना चाहते हैं। लेकिन हम ये भूल गए कि जब केक की बात आती है तो ढोलू भोलू के पेट में कोई भी राज हजम ही नहीं होता। हैप्पी बर्थडे भीम। शुक्रिया दोस्तों, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम सबको याद रहेगा। ये मेरे लिए आज तक का बेस्ट सरप्राइज है। आज हम जाएंगे नेशनल गैलरी सिंगापुर और छुट्टियों के आखिरी दिन पर कलाकारी का मजा लेंगे। बहुत अच्छे चुटकी, मैंने भी बहुत सुना है इस गैलरी की शिल्प कला के बारे में। हमारे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें सिंगापुर का फेमस आइसक्रीम सैंडविच खिलाऊंगा कालिया। यहाँ पे ज्यादा ठंड है। मजे की बात तो ये है कि छत पर रिफ्लेक्टिव पोल्स हैं, जो यहाँ के टेम्परेचर को कम रखते हैं। राजू, यहाँ पर मॉडर्न साउथ ईस्ट एशियन आर्ट का दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक डिस्प्ले होता है। जग्गू, क्या तुम्हें भी ये ढोलकपुर की याद दिला रहा है? हाँ बिल्कुल, और इस जगह की याद संजोने के लिए हमें भी एक एक पेंटिंग बनानी चाहिए। चलो कलर्स और पेपर्स लाते हैं। ये है, आइसक्रीम सैंडविच खाने का टाइम हो गया। पर पहले मरीना बे चलते हैं और कॉलियर की एरिया देखते हैं। दोस्तों दोस्तों उस तरफ देखो, वो है कॉलियर की एरिया। दशकों पहले यहाँ सिर्फ और सिर्फ समंदर था, इतना कुछ बदल गया है। अब तो ये सिंगापुर के वाइब्रेंट सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा बन चुका है और इसकी हिस्ट्री भी बहुत शानदार है। वाओ, कमाल है। वाह, आखिरकार मुझे सिंगापुर की याद आएगी। याद है जब मिरर मेज में मिरर से टकराकर हमारी नाक टूटते टूटते बची थी।
और तुम्हें याद है राजू खो गया था जब हम रिजॉर्ट्स वर्ल्ड सेंटोसा में सी एक्वेरियम देखने गए थे? और लाओ पासत का वो खाना। और ज़िपलाइन की कार रुकने के बाद भी उस्ताद का उसमें लटके रहना। तो दोस्तों, हमने तो सिंगापुर को खूब एंजॉय किया। ये वाकई एक शानदार जगह है। आप भी यहाँ आकर इसकी जादूगरी को खुद महसूस कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।